ओके, यहाँ पर हम स्टार्ट करने लगे हैं 7th क्लास के प्रैक्टिकल, और 7th क्लास के प्रैक्टिकल एमएस वर्ड पर हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफ वर्ड खोलेंगे, जो सा भी वर्जन होगा आपके पास। जैसे यहाँ पर मेरे लैपटॉप में 2010 है, तो मैंने यहाँ पर 2010 वाले वर्जन पर डबल क्लिक किया और वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऊपर टॉप पर आ जाएंगे डिफरेंट टैब्स, जिन टैब्स के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको टाइपिंग जो है थोड़े से फॉन्ट इसका चेंज कर रही हूँ, इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि जो भी मैं लिखूँ यहाँ पर विजिबल हो। सबसे पहले यहाँ पर जो है डिफरेंट होम टैब पर अगर आप जाएँ, होम टैब से यहाँ पर मैंने ले लिया है होम टैब, ये इंसर्ट टैब ओपन है। होम टैब पर जाके इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा और फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आप यहाँ से टाइपिंग करने में आपको ईजी होगा। तो यहाँ से मैंने फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, जबकि प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं, सिर्फ ये लिख कर बताने के लिए कि यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और हम डिफरेंट इंसर्ट फंक्शन से चीज़ें इंसर्ट करेंगे, यानी कि इंसर्टिंग टेक्स्ट। सबसे पहले हमारी चीज़ें इंसर्टिंग टेक्स्ट। इंसर्टिंग टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप जो भी लिख रहे हो, जो भी टाइप कर रहे हो, वो सारा चीज़ सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, इंसर्टिंग टेक्स्ट। जो भी आप इस ब्लैंक पेज के ऊपर टाइप करते हैं, इसका मतलब है कि वो आप टेक्स्ट इंसर्ट करें। इसके बाद आप अंडू और रीडू कमांड का यूज़ देखेंगे। अंडू कमांड और रीडू कमांड होम टैब पर होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको होम टैब पर दिखाऊंगी कि दो बटन से बने हुए हैं टॉप पर, लेफ़्ट साइड पे। अगर आप लेफ़्ट साइड पर यहाँ चले जाएं, तो ये बटन है हमारे पास, फर्स्ट बटन है जिसको अंडू कहते हैं, और हम कंट्रोल प्लस सी से भी अंडू कर सकते हैं। और ये है रीडू का बटन, जो कि रिपीट टाइपिंग यानी कंट्रोल प्लस वाई से। तो अब यहाँ पर मैं आपको अगर अंडू को क्लिक करती हूँ तो क्या होगा कि जो मैंने लिखा हुआ है वो वापस से, अंडू को क्लिक करके देखते हैं, मैंने यहाँ पर अंडू किया तो जो टेक्स्ट था उस वो वापस हो गया। अब रीडू करेंगे तो वही टेक्स्ट जो हमारा डिसअपेयर हुआ है वो वापस आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, नेक्स्ट अब हमने करनी है इंसर्टिंग डेट। तो इंसर्टिंग डेट भी अगर आप नाम से देखें तो इंसर्ट टैब पर, इंसर्ट टैब पर आप राइट साइड पर चलेंगे तो वहाँ पर टॉप पर आ जाएगा डेट एंड टाइम। इसको आप क्लिक करेंगे, सिंगल टाइम में क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट आ जाएंगे डेट एंड टाइम के। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डेट एंड टाइम, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे आपका डेट एंड टाइम। ये जो मैं एरो यहाँ मूव कर रही हूँ, ये आपका डेट एंड टाइम जो है अपेयर हो गया। तो ये यहाँ से डेट एंड टाइम आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद हम अगला फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं, जो कि पर हमारे पास है इंसर्टिंग पेज नंबर। तो इंसर्ट टैब को ही क्लिक करना है और यहीं पर पेज नंबर है, डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पर पेज नंबर होता इंसर्ट टैब पर ही है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, टॉप पे करना है आपने पेज, बॉटम पे करना है, पेज मार्जिन में करना है, करंट पोजिशन में करना है। तो आप जिस भी जगह पर इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करेंगे, और जैसे कि मोस्टली हमारे पास बॉटम में होता है तो हम क्या करते हैं बॉटम को क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट स्टाइल आते हैं, आप उसमें से अपनी मर्ज़ी का स्टाइल जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम बॉटम ऑफ द पेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये भी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कौन कौन सा पेजेस हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉटम को क्लिक किया और फिर मैंने बॉटम पेज में से सेकंड वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। तो देखें सेंटर में हमारे पास पेज नंबर फुटर में अपेयर हो जाएगा। पेज नंबर मोस्टली फुटर में ही अपेयर हो रहा था, लेकिन अगर आप हेडर में भी करना चाहो तो आप सेट कर सकते हैं। ये हमने कर लिया पेज नंबर। अब आपने वर्ड काउंट फीचर देखना है, तो वर्ड काउंट यहाँ पर भी आ रहा है, आप इसको क्लिक करोगे तो इसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी कितने वर्ड्स है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखना है तो हम जाएंगे रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब को क्लिक करेंगे और रिव्यू टैब के लेफ्ट साइड पे ABC और 1, 2, 3 जो आपको नज़र आ रही है वर्ड काउंट, आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ से भी आपकी पेज की डिटेल्स सारी वो बता देगा। तो ये था हमारे पास वर्ड काउंट फीचर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि हमने क्या करना है। यहाँ पर अब ये डिफरेंट आप देख रहे हो ऑप्शंस है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट हमारे पास क्या काम करता है, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट ये काम करता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने वो लिखा हुआ है, और उसको अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस करनी है या एक डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना है, सबसे पहले आप कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे इकट्ठा और एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, या उसको फिर राइट क्लिक करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल करने। तो कंट्रोल और ए से आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने फाइंड का ऑप्शन क्लिक किया हुआ था, इसलिए येलो हो गया। अब इसको मैं बैक साइड पे करूँ, बैक करूँगी बैक स्पेस, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ई सर्च करना है तो यहाँ पर मैंने ई लिख दी है, और यहाँ पर कितने बता रहे हैं 6 मैचेस है।
तो जितने भी ई हैं अब इनको मैं रिप्लेस करना चाह रही हूँ किसी और वर्ड के साथ, तो मैं या किसी और लेटर के साथ रिप्लेस करना चाह रही हूँ, तो मैं फाइंड के नीचे ही रिप्लेस है उसको क्लिक करूँगी। यहाँ पर आ गया रिप्लेस का ऑप्शन ई के नीचे। अगर मैं इसको ए, अब मैं यहाँ पर ज़्यादा सारे ए लिख सकती हूँ ताकि आपको रिप्लेसमेंट नज़र आए। फिर रिप्लेस ऑल को क्लिक करूँगी, वो बता रहे 6 मैचेस हैं रिप्लेस करने, मैंने गेस किया, ओके किया। तो अगर अब आप टेक्स्ट देखें इसको क्लोज करने के बाद, तो आपके यहाँ पर ई की जगह पर सारे ए अपेयर हो गए। तो ये था हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस के बाद हमारे पास है इंसर्ट सिंबल। तो ये इंसर्ट टैब में आपने सिंबल्स पर जाना है और वहाँ से आपने जो सिंबल आपको रिक्वायर्ड होगा आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप आ जाएगा यानी अपेयर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है लास्ट, जो कि आपने करना है अपने पेज साइज़ को सेट। तो आपने फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है। जब आप कोई प्रिंट डॉक्यूमेंट करवा रहे होते हो तो आप पेज साइज सेट करते हैं। फिर आप यहाँ पर, यहाँ मैंने लेटर सेलेक्ट किया हुआ था, मैं इसको A4 बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास A4 होता है, इसको A4 में सेलेक्ट करूँगी। और इसके बाद जो है ये सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये सारा हो गया है।